गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 20 सितंबर 2020, मंडे है, सुबह के 8:41 हो रहे हैं। मंडे है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है। इस वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे। फ्राइडे को छुट्टी आ रही है, महात्मा गांधी जयंती है। फ्राइडे को हमने देखा कि एक जबरदस्त रिकवरी, एक बाउंस बैक हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। जो थर्सडे यानी मंथली एक्सपायरी का दिन था, तभी काफी प्रेशर, काफी कमजोरी देखने को मिली थी। हालांकि नेक्स्ट डे एक रिकवरी आते हुए हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। सैटरडे एक न्यूज आ रहा था, गवर्नमेंट सेट टू अनाउंस फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, यानी जो गवर्नमेंट ने अप्रैल और मई के महीने के आसपास एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, अभी एक सेकेंड पैकेज अनाउंस होने जा रहा है कुछ वीक के बाद, यानी फेस्टिवल सीजन के पहले ये अनाउंस होने वाला है। तो इसके मद्देनजर बाजार फिर से एक बार उम्मीद की राह पर गवर्नमेंट के पास देख रहा है कि और कुछ स्टिमुलस पैकेज अच्छे से अनाउंस हो जाए तो मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाए। तो एक पॉजिटिव न्यूज सैटरडे को देखने को मिली थी। सबसे पहले लास्ट फ्राइडे का एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 25 सितंबर, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,851। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ था ब्रेकआउट लेवल के काफी ऊपर, सेकेंड टारगेट के पास। यहाँ से इसने ये 100 ईएमए के पास रेजिस्टेंस फेस करके जब ये नीचे की तरफ आया, तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया। अभी हमारा उसके बाद फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट, ये सेकेंड टारगेट 10,914, फर्स्ट टारगेट 10,881, ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। और यहाँ से और भी ऊपर की तरफ, जैसे ही दिन का स्विंग हाई जो बना था, फर्स्ट हाई, उसको ब्रेक करने के बाद ये जबरदस्त और तेजी के साथ ऊपर बढ़ा। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के भी हालात देख लेते। फ्राइडे को अमेरिकी बाजार भी देखे तो जबरदस्त बढ़त के साथ यहाँ पर कामकाज देखने को मिला। नासडेक करीब 241 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो मिला जुला कारोबार वहां पर देखने को मिल रहा है। वहां पर फिर से एक बार कोरोना का सेकेंड वेव आते हुए दिखाई दे रहा है, तो मार्केट वहां पर भी एक कमजोरी दिखा रहा है। एशियाई बाजार आज देखे तो SGX निफ्टी 37 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स आज वहां पर बंद है, हॉलीडे है। तो यहां पर डा फ्यूचर को देखें तो वह भी अभी 98 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। चलते हैं निफ्टी की चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि हम यहाँ पर लास्ट वीक, अगर आपने हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये जो क्लस्टर यहाँ पर बन रहा है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का, ये अराउंड 10,850 टू 10,900 के आसपास आ रहा था। तो लास्ट वीक आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इस, ये जो क्लस्टर बन रहा है इसका 10,850 के अराउंड यहाँ पर आ रहा है 800 के पास। तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर मुसीबत निफ्टी इंडेक्स के लिए बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 10,800-850 के आसपास यहाँ पर बना हुआ है एज पर वीकली चार्ट। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है, सपोर्ट लेवल आ रहा है 10,850 के पास। डेली चार्ट को अगर देखें तो ये डेली चार्ट में फिर से एक बार पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मेट को, एक बियरिश कैंडल, लॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद जबरदस्त ग्रीन कैंडल, जिसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज से ऊपर है और ग्रीन कैंडल बना है, ये एग्जैक्ट पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कैसे निफ्टी इंडेक्स यहाँ से अपसाइड मूव हुआ है, ये देखिए। तो हो सकता है अभी यहाँ से ये निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार हमें तेजी यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि अगर आप ये दो पैटर्न देखें तो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर बना है, और ये देखें तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट के पास बना है। हमने इसको 200 डेज के मूविंग एवरेज में कन्वर्ट किया था फ्राइडे को, तभी एग्जैक्ट इसका ये जो बॉटम है ये रेड कैंडल के नीचे आ रहा था। और फ्राइडे का अगर ये देखे कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो ये एग्जैक्ट 100 ईएमए के लाइन के पास ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर की तरफ ये बढ़ा।
तो यहाँ पर एग्जैक्ट पैटर्न बना हुआ है पिवट बार रिवर्सल का पैटर्न, तो उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से तेजी लौटे, लेकिन बीच में हर्डल होंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ हर्डल नहीं थे, यहाँ पर 50 EMA का फर्स्ट हर्डल है, बाद में 20 EMA का भी हर्डल है। तो इन दो मूविंग एवरेजेस को कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा तो यहाँ से हमें तेजी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। पैटर्न तो सेम बना है पिवट बार रिवर्सल, लेकिन कॉशियस रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो यह था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स, अगर ये जो लेवल है फ्राइडे का हाई जहाँ पर बन रहा है, यानी 11,069 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था इसने, ये देखिए 3 दिन पहले। तो 11,080 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,107, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,129, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और आप देख सकते हैं अभी ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है फ्राइडे को, तो अगर इसको कंफर्टेबली ये टूवर्ड साउथ की तरफ आकर ब्रेक करता है, और ये जो 10,981 का लेवल यहाँ पर बन रहा है जहाँ पर इसने एक बार कोशिश की थी नीचे जाने की, लेकिन यहाँ से फिर से स्विंग लो बना के ऊपर की तरफ आके ये क्लोज हुआ है, तो 10,981 के नीचे चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,956, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,924, यह हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।